Hey everyone, welcome to Takshila Classes. This is Prateek Singh. We are going to discuss a very important topic of geography, that is concept of latitudes and the longitudes. A very basic topic, but a very important and a very crucial topic for geography, because this topic will lay the foundation for the further topics of geography. So let's start about what we need to understand, what are latitudes and what are longitudes. So as we can see in this slide, this is a graph paper which is superimposed over a globe. This is what you can see, like it's a graph paper which has been superimposed, right? So ye jo x-axis hai 0 degree equator, Greenwich meridian, jo 0 degree equator hai, ye one of the latitudes hai. Basically these are horizontal lines which are called as latitude, aur jo vertical lines jo draw ki hui hai, these are called as longitudes. Aaj inhi कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, क्योंकि ये लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड सबसे पहला इनका एप्लीकेशन क्या है, टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब वी कैन इजीली नो थ्रू लेटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स. लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेस ऑन द अर्थ, यू कैन इजीली नो 15 डिग्री क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है. कौन सी साइड, वेस्ट साइड, राइट, ईस्ट साइड, 15 डिग्री ईस्ट, और नॉर्थ कितना, 15 डिग्री नॉर्थ. तो 15 डिग्री कॉमा 15 डिग्री, यू कैन इजीली लोकेट अ प्लेस. सो दिस वे यू कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो हमें लोकेट करने के लिए जरूरत पड़ती है. जीपीएस सिस्टम आपने सुना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, दैट इज ऑल्सो द सेम, दे यूज दिस लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कॉन्सेप्ट. बट पेपर में क्या समझना, ये चीज अब हम समझेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी के हर पेपर में पूछा जाता है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे क्वेश्चन, चाहे एफ कैट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएफएफ हो, चाहे आईएएस हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ अबाउट दिस थिंग. सो यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स जो अभी मैंने दिखाए थे, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स विच आर कॉल्ड फ्रॉम 0 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट पॉइंट करेंगे, अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट पॉइंट करेंगे, और यहां पे 0 डिग्री से नॉर्थ जाएंगे तो नॉर्थ पॉइंट करेंगे, नीचे करेंगे तो साउथ पॉइंट. ये चीज समझ आती है. दूसरी चीज, बेसिकली लेटिट्यूड हमारा 0 टू 90 वेरी करता है, ऊपर 0 टू 90 नीचे, और लेटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी कहेंगे, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल ड्रॉ होती है. From this you can easily see the globe, और ये basically एक angle है latitude. आपने देखा होगा degrees में measure करते हैं हम latitude, 23.5, 10 degree, these are basically angle made by this place on the surface of the earth with the horizontal plane on equator. So this is basically angle जितना, अगर 15 degree है तो 15 degree ये line जो है 15 वाली, इसको कह रहे हैं हम latitude. I hope you are understanding. This is 15 degree, this is latitude जो की line है, और ये जो लाइनें हैं ग्लोब पे पैरेलल हैं दोस्त. सबसे लंबी लेटिट्यूड कौन सा, इक्वेटर, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो लेटिट्यूड्स की लेंथ डिक्रीज होती है. सबसे लंबी इक्वेटर पे है, सबसे कम पोल पे डिमिनिश होती है लेटिट्यूड की लेंथ. सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटिट्यूड, समझ आ रहा है. दूसरी तरफ अगर बात करें लॉन्गिट्यूड, ये पोल से पोल मिलती है लाइन, लेटिट्यूड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको हम पैरेलल कहते हैं. लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट एट पोल्स, राइट, और इनके बीच में एरिया वेरी करता है. ये चीज दिख रही है, सबसे ज्यादा एरिया होगा इक्वेटर पे, जैसे जैसे आप पोल्स पे जाओगे इट विल बी जीरो, मींस डिस्टेंस, राइट. सो दिस इज बेसिकली अबाउट द लॉन्गिट्यूड. सो ये मेजर करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, और ये 0 to 180 वेरी करेगा इस तरफ, 0 to 180 वेरी करेगा लॉन्गिट्यूड इस तरफ, क्योंकि ग्लोब पूरा 360, 0 के बिल्कुल ऑपोजिट 180, 0 के बिल्कुल 180, ऑपोजिट 180, तो टोटल 360 डिग्रीज, राइट. इन द केस ऑफ लेटिट्यूड्स दीज आर द पैरेलल्स, जो कि 0 टू 90 ऊपर जाएंगे, 0 टू 90 नीचे जाएंगे, और इनको कहेंगे पैरेलल्स लेटिट्यूड्स को, लॉन्गिट्यूड्स को हम कहेंगे मेरिडियंस. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड वन बाय वन. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटिट्यूड्स टॉपिक, वेयर वी विल अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आंसर यू पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर लेटिट्यूड्स, and then the second question, what are the different countries on the different latitudes. ये बार बार आपके NDA, CDS, CFF में पूछा जाता है भाई, इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्री लाई करती, कौन सी नहीं करती. सो वी नीड टू रिमेंबर दीज ऑन दिस लेटिट्यूड. देन वॉट आर द डिफरेंट क्लाइमेट जोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, पोलर जोन क्या होता है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू डाइजेस्ट द ज्योग्राफी. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. And the last question is, why is it that we find snow at high altitudes on high heights or low heights on Alps in Switzerland and on Himalayas we find it at great heights. कि मतलब हिमालय पे बहुत ऊंची हाइट पे हमें बर्फ मिलती है, जबकि आप अगर एल्प्स के पे बात करें
तो बहुत ही नीचे हाइट पे ही आपको बर्फ मिल जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटिट्यूड्स. एंड लेट्स नाउ स्टार्ट अबाउट द लेटिट्यूड्स. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी लेटिट्यूड्स आर बेसिकली द एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर. ये जो अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था कि एक एंगल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जितने डिग्री बन रहा उसको हम लेटिट्यूड कहते हैं. तो बेसिकली एक एंगल होता है क्योंकि डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं. सेकेंड थिंग, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल्स. एक और चीज याद रखिए, दो लेटिट्यूड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, वैसे तो कांस्टेंट होगा, दैट इज 111 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री लेटिट्यूड. रिमेंबर दिस थिंग आल्सो, दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन एफकेट और एनी पेपर, फैक्ट है. 1 डिग्री लेटिट्यूड में फासला कितना होगा, 111 किलोमीटर. लेट्स सी द अनदर थिंग. सो ये चीज हमने बात की है. और लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड कौन सा होगा, इक्वेटर. जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे लेटिट्यूड की लेंथ डिक्रीज होती जाएगी. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. Now we will see the zones on the basis of the latitudes. Like equator is 0 degree. 0 to 20 Tropic of Cancer ke beech mein ye zone aur is zone ko hum kahenge tropical zone. Clear hai ji? Tropic of Cancer upar hai 0 se 23.5 ke beech. Jo 23.5 degree north is called as Tropic of Cancer. Niche 23.5 degree Tropic of Capricorn. Bahut janta Cancer aur Capricorn mein confused rehti hai. मेरे भाई ये मत भूलिएगा, कैंसर ऊपर है, कैप्रिकॉन नीचे है, जिसको हिंदी में कहेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा. 66.5 नॉर्थ को कहेंगे हम आर्कटिक सर्कल, 66.5 साउथ को कहेंगे एंटार्कटिक सर्कल, एंड देन इज द नॉर्थ पोल, देन इज द साउथ पोल. तो इस जोन को कहेंगे हम ट्रॉपिकल जोन. दिस जोन वी कॉल इट एज टेम्परेट और मिडिल लेटिट्यूड्स भी. ये भी याद रखें क्योंकि यूपीएससी बार बार टेम्परेट की जगह आजकल मिडिल लेटिट्यूड्स पूछ रहा है, जो साइक्लोन में भी हम यूज करेंगे. मिडल लेटिट्यूड कौन सा था, 23.5 टू 66.5 के बीच में. 0 टू अगर 90 के बीच करें मिडल पोर्शन कौन सा हुआ, ये वाला. सो इसलिए इसको मिडल लेटिट्यूड भी कहा जाता है. एंड देन वी हैव इज अ पोलर जोन. वैसे इसके नाम क्या होगा, इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन भी, क्योंकि यहां पर आप देखोगे गर्मी होगी. हम समझेंगे इन द कमिंग क्लासेस. दिस ट्रॉपिकल एरिया इज अ हीटेड एरिया, यू कैन से राइट. दिस टेम्परेट एरिया इज अ कूलर एरिया. अंग्रेज सारे इधर या यूरोप सारा, you can see the color of the people also changes with the latitudes. Here it's because of the sunlight is falling directly, so the color dark complexion people will be found on this place. And when you go to these areas the fair complexion, because yahan par sun rays seedhi nahi padti, aur isko temperate area kahenge jahan pe extreme garmi nahi padegi. Aur fir hamara polar zone hai jo ki pura saal barf frigid zone hai. Let's go to the now, one by one we will see the countries lying on equator. Sabse pehle equator pe ये स्पेशली मैप मेरे दोस्त बनाया मैंने, इसलिए यू नीड टू सी द लोकेशन ऑफ द कंट्रीज. डू ट्राई चेक आउट दिस इन योर ग्लोब एटलस आल्सो, योर मैप, प्लीज डू चेक आउट दीज कंट्रीज. सो इफ वी सी दिस इक्वेटर 0 degree, ये साउथ अमेरिका दोस्त. साउथ अमेरिका में सबसे पहले इक्वाडोर जिसकी राजधानी है क्विटो, उसके बाद कोलंबिया, फिर ब्राजील. तीन कंट्रीज साउथ अमेरिका की है जो कहां पे लाई करती है, इक्वेटर पे. देन वी हैव इस अफ्रीका, साउथ ओमे प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया. ये अफ्रीका के देश हैं जो इस पे लाई कर रहे इक्वेटर पे. फिर आता है दोस्त एशिया में. एशिया में कौन सा है, इंडोनेशिया. डू चेक आउट ऑल दीज आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, सुलावेसी. इनमें से कौन सा आइलैंड इक्वेटर पे नहीं लाई करता, इस बार एनडीए में था. इट इज एवरी टाइम आस्क इन एनी यूपीएससी पेपर, दे विल आस्क यू ऑलवेज कि कौन सी कंट्रीज पे लाई करती है कौन सी नहीं. और ये बेसिक है, चाहे आपके छोटे से छोटे एसएससी के पेपर में भी पूछा जाता है. सो प्लीज मेक श्योर यू आर रिमेम्बरिंग दीज. सो इसके लिए निमोनिक है, लेट्स सी दे इन द नेक्स्ट स्लाइड. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरव गांगुली युगांडा का स्टूडेंट इंडियन, राहुल द्रविड युगांडा का स्टूडेंट इंडियन. दोस्त इसको याद इस हिसाब से मैंने निमोनिक बनाया, इट इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पूरी कंट्रीज है, क्योंकि ज्योग्राफी में यूपीएससी बार बार पूछता है वेस्ट टू ईस्ट. कल को पूछ ही ना ले कौन सी चार कंट्रीज जो वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर. So you can definitely remember it through this mnemonic. So English में E, जितने जितने red colored alphabets हैं, they are indicating some country. If E is for Ecuador, C for Colombia, B for Brazil, S for South Tome Principe, Gabon, Republic of Congo. इस तरह आप सारी की सारी countries याद करो. एक बार ये आपने map में देख लिया, दूसरी बार ये आपने एक बार ये mnemonic याद कर लिया, I don't think you can forget in the paper, right? But do locate them in your map, locate them in a globe. So that it's going to be recorded in your memory. Because सारी geography बहुत interesting है अगर आप इनको maps के through कर रहे हो, through diagrams, all the geography can be covered very thoroughly. Whether it is a river system, whether it is Himalayas, everything is
through maps only and the through diagrams. So make sure you are revising the things simultaneously. I hope you are very much clear about equator pe kaun kaun si hai. Let's see the countries which are lying on Tropic of Cancer. Yahan par mere bhai kaun si hai? Mexico. North America, teen countries upar, Canada, niche US hai. Canada aur US ko separate karne wala 49 degree parallel. To bhai 49 degree parallel kya hai? Wo bhi latitude hai, right? That's why 49 degree parallel. Then we have is Mexico. That is the country which is lying on Tropic of Cancer. Then we have African nations, Mauritania, Western Sahara, Algeria, Mali, Niger. Then we have Libya. So just see these. I'll give you the mnemonic also. But zarur ek bari dekhiyega. Kyunki paper mein bahut hi aapko jab question aata, you are not able to understand ki kaun si country hogi, kaun si nahi. Jab tak aapne wo yaad nahi kiya ya mnemonic se ya dekhi nahi hui. So make sure you see this. क्योंकि ये हर बारी दोस्त लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आना ही आना आपके डिफेंस सर्विसेज में. इट्स अ श्योर श्योर थिंग. देन वी टॉक अबाउट दिस. वापस जरा आप लास्ट स्लाइड में देखिएगा. सो वापस उधर अगर आप बात करें, वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया. ये दोस्त तीनों याद रखना, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया. फिर आप अगर बात करें, इंडिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से पास नहीं करती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रादर इधर चाइना से पास करती. बहुत लोगों को लगता है चाइना ऊपर है, चाइना ऑल्सो पासेस. म्यांमार, बांग्लादेश, ऑल दीज आर कंट्रीज विच आर लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. लेट सी द निमोनिक फॉर दिस ऑल्सो. माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट्स टू यूएई एंड ओमान एट आईबीएम फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग. थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ये आपको प्रॉपर ऑर्डर में कंट्रीज याद करवा देगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मैक्सिको, बहामास इज द नेम ऑफ द आईलैंड इन Caribbean nations. Then we have Western Sahara, Mauritania, Mali, Algeria, Niger. वहाँ पे मैंने गलती से छड़ लिखा हो, छड़ काट दीजिएगा क्योंकि CAPF में क्वेश्चन भी पूछा था. अगर आप मैप, दो मैप लिखें तो छड़ is not lying on Tropic of Cancer because it has been now proved through the paper itself कि वहाँ पे छड़ और माली दोनों थी. माली से पास कर रहा Tropic of Cancer, याद रखिए, छड़ से नहीं. वैसे मैंने मैप में दिया हुआ था, ट्राई टू सी दम इन मैप, दैट विल बी बेस्ट वे. In case of the Asia, Saudi Arabia, UAE, Oman, India, Bangladesh, Myanmar, China and Taiwan. So these are the countries which are lying on Tropic of Cancer. Let's see the another one now. Tropic of Capricorn pe kaun kaun se desh hain jo lie karte hain. To uske liye apne ko yaad kaise karna hai Tropic of Capricorn pe. Let's see this one. This is South America. Yahan par kaun kaun si countries hain dost? Aapko yaad kar mnemonic bhi karein. Cap is blue or navy blue, says my mom's aunt. सी से आ गया चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे. बी से ब्राजील. सो रिमेंबर दीज ऑल फोर नेशंस ऑफ साउथ अमेरिका. एक तरह का जब आप मैप को देख रहे हो इस हिसाब से तो स्लोली स्लोली आपको वर्ल्ड की चीजें भी समझ आएंगी. क्लियर है जी? क्योंकि कंट्रीज अगर आप देख रहे हो कि ऐसा क्लाइमेट होगा, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. सो दिस इज द फर्स्ट, आपका एक पहला स्टेप है जिससे आप ये चीजें सीखने शुरू करोगे. उसके बाद अगर बात करें अफ्रीका में, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडगास्कर आर द स्टेट्स, आर द कंट्रीज विच आर लाइंग ऑफ अफ्रीका. और उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया और टोंगा. इसके लिए लेट्स सी द निमोनिक. एक सेकंड रुकिएगा. अगर आप वापस मैप में आएंगे यू विल सी द वन मोर थिंग. अभी तक मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बात की, इक्वेटर बात की. कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइने पास हो रही है? दैट इज अफ्रीका. आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखा, सो नेचुरली इक्वेटर इज ऑल्सो. सो ओनली कॉन्टिनेंट विच इज through which all the three latitudes are passing is this Africa. और South America में से एक country है Brazil, जिससे equator भी pass करता है और Tropic of Capricorn भी करता है. ये भी याद रखिएगा. For FCAT SSC types, they do ask you such questions. Let's see the another thing now. So that is how cap is blue or navy blue, says my mom's aunt. Check out these nations, you will be easily able to recall. So that is the how you can remember the countries which are lying on Tropic of Capricorn. Now coming to Indian geography, India se apne dekha Tropic of Cancer pass karta, bahut janta ko padha hua, IAS mein bhi bahut bade coaching industries mein bhi pad rahe hain, but they are not able to recall. Please do remember these because this is a basic which is going to help you. आपने सुना होगा आठ राज्य हैं जो लाए करते हैं इंडिया, इंडिया के आठ राज्य जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाए करते हैं. कौन कौन से आठ, कौन कौन से? इसको याद करने का तरीका, गरम चाय जी, WTM. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्लियर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा. एम से मेरे भाई ना तो मणिपुर है ना मेघालय, इट्स मिजोरम. डू रिमेंबर क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे खेलेगा आपके साथ. सो रिमेंबर गरम चाय जी, WTM.
तो ऑर्डर में याद रखे, सबसे पहले कौन सा था, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन वी हैव इज त्रिपुरा, WTM के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। सो दीज आर द 8 स्टेट्स विच आर लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्त ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसा बेसिक टॉपिक है, एफ कैट में पिछले 3 साल से क्वेश्चन इसी पे पूछ रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आपके CDS-EFF में तो आता ही आता है। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। लेट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दिस थिंग। दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ CDS इटसेल्फ कि भाई इनमें से कौन से देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पास करता है। जो भाई इंडिया तो हमने देख लिया, सेंटर से पास करा, डिवाइड करा, तो श्रीलंका तो हो ही नहीं सकता, सीधा ऑप्शन से खेलेंगे तो ये भी है, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो इंडिया के अंडमान निकोबार के नीचे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा, इसको मैप में नहीं लोकेट करा, यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दिस, यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज। सो इजीली सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, 3 वेस्ट एशिया अरब नेशन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइक करते हैं। यू कैन से अ सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ओमान एंड दिस UAE। सो इजीली यू कैन से सी इज द आंसर। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन ऑन दिस थिंग। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखा अभी मैंने बताया था कि किस किस से पास करता, और मैंने अभी आंसर भी बताया था माली, क्योंकि छड पहले मैं मैप में देखते हैं तो आपको लगेगा छड से पास हो रहा है, बट रिमेंबर इट्स द माली कंट्री थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। और ये देखिए ऑप्शंस कौन सी हैं, सारी की सारी अफ्रीका के देश हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया। लेट सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ CDS 2019-1। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिससे नहीं पास करता, चिली, बोलीविया, पैराग्वे और ब्राजील। और अगर याद हो मैंने बताया था कैप इज ब्लू, सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, पी से पैराग्वे और ब्राजील। तो इन्होंने कहा किससे नहीं पास करता, तो दोस्त आंसर क्या होगा, बोलीविया। सो दिस वॉज द आंसर। सो दिस वॉज अ टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड्स विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। डेफिनेटली वी विल कम आउट द लॉन्गिट्यूड्स क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स पूछता, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई बी डेली अपडेटिंग अ वन कॉन्सेप्ट अ डे ऑन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरी GS टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन अ वेरी थोरो वे। If you really like the session, please do like and then share with the people and subscribe the channel. Definitely we will be giving you the quality, right? Thank you. Wish you all the best. Jai Hind.